उससे दूसरी शादी कर ली। और मुझे हैरानी इस बात की है यार कि ऐसे ऐसे कामों में तो माँ बाप घर से निकाल देते हैं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अब्बा जी अपने बेटे के सर पे सहरा लगा। क्या बात है भाभी, आज चाय नहीं मिलेगी? चाय का मैंने कह दिया है, आती होगी। अच्छा खाने का भी कह देगा साथ में, बहुत भूख लगी है। क्यों, तुम लोग सिर्फ घूमते फिरते रहे हो, लंच नहीं किया? और वैसे भी घर वालों की भूख तो मरी चुकी है तुम दोनों के एक होने से। मुझे परवाह भी नहीं है इस बात की, और हमें मौका ही कहां मिला कुछ खाने का। मेरी बेगम के पांव में जो चोट लग गई थी। उसे तुम्हारी बीवी मानता कौन है? दूसरों के मानने से क्या होता है, हम दोनों का निकाह हुआ है। जिस निकाह में घर के बड़े शामिल ना हो ना, उस निकाह में कोई खुशी नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये किस तरह की मंतक है, निकाह के लिए एक गवाह, एक वकील और मौलवी की जरूरत होती है। और जहां तक बड़ों की बात है, तो क्या आप अपने माँ बाप को बड़ा नहीं मानती? मम्मी बहुत खफा है तुमसे, और माँ की नाराजगी के साथ घर नहीं बसा करते। मेरे ख्याल से आपके शौहर भी इस फलसफे पे यकीन करते हैं। खैर मम्मी की आप टेंशन ना लें, वो मेरी माँ है और मैं अच्छे से जानता हूँ वो मुझसे ज्यादा देर खफा नहीं रहेंगी। अच्छा तो औलाद ऐसा क्यों समझती है कि वो हर बार गलतियां करती रहे और माँ माफ करती रहेगी? मम्मी मैंने हर बार अपनी सफाई आपको पेश की है, उसके बावजूद आप मुझे हक पे नहीं समझती। क्योंकि मैं समझती थी कि मेरा तुम पर हक है। हक है मम्मी, पूरा हक है, लेकिन आयमा को तो मेरे सर पे मुसल्लत ना करें। देखें वो ना ही महरोज भाई को पसंद थी और ना ही शरियार को, तो मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना रही है? सुना पाजी, मेरी बेटी क्या इतनी बुरी है कि आपके हर बेटे ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है? क्या बुराई है उसमें, क्या बुराई है मेरी बेटी में? सिर्फ यही कि उसके दिल में जो है वही उसकी जुबान पे है। और वो लड़की जो जुम्मा जुम्मा चार दिन हमारे घर में आई है, आज भी अपने पैर तोड़कर इस चक्कर में बैठी है कि अफान उसके नखरे उठाएगा, क्या वो मेरी बेटी से बेहतर है? क्या मतलब चोट लगाकर बैठ? मम्मी हम सीबीओ गए थे, एनी को वहां चोट लग गई, जख्म थोड़ा गहरा भी है। अच्छा तो तुम उसे सी साइड लेकर गए थे सैर सपाटे के लिए? मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको किस बात से एतराज है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? क्योंकि बजाहिर तो वो तुमसे बेजार रहती है और तुम्हारे साथ ही बीच पर सैर करने के लिए चली जाती है। हाँ एक तरफ तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़कियां ढूंढ रही है और दूसरी तरफ तुमसे ही निकाह कर लिया। बस बहुत हो गया अफान, अब जो मैंने फैसला किया है ना वो तुम्हें मानना पड़ेगा हर कीमत पर। मम्मी अगर आपका फैसला हक पे हुआ तो हुक्म करें, मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। तो मैनी को तलाक दोगे आज अभी इसी वक्त, वरना शहरयार एमल को तलाक दे देगा। ये क्या कह रही है मम्मी आप? मैंने तुमसे कहा कि तुम एनी को तलाक दोगे वरना शहरयार एमल को तलाक दे देगा। मैं एनी को तलाक नहीं दूंगा मम्मी। तुम्हें एनी को तलाक देनी होगी क्योंकि मैं इस निकाह को नहीं मानती और ना ही इन दोनों बहनों को अब मैं इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूं। मम्मी आपके मानने ना मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही इससे मेरा और एनी का रिश्ता खत्म होता है, इसीलिए आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें
कि मैं एनी को कभी छोड़ूंगा या तलाक दूंगा। अल्लाह अल्लाह, किस तरह काबू किया हुआ उस लड़की ने इस लड़के को। उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता ये। माँ की एक बात नहीं मान रहा। क्या जादू किया उस लड़की ने इस पे? अच्छा तो फिर ठीक है शहरयार, तुम अभी और इसी वक्त एमल को तलाक दो। मम्मी, मम्मी आपको क्या हो गया? ये आप क्या कह रही हैं? I'm sorry मम्मी, लेकिन मैं एमल को तलाक नहीं दूंगी। शहरयार, मैं तुमसे कह रही हूँ एमल को तलाक दो और तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। मम्मी, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है बगैर कुछ कहे, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैं एमल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। गलती आफान और एनी की है तो इसकी सजा मुझे और एमल को क्यों मिले? लो, छोटे को देख के बड़ा भी रंग बदल रहा है। जोरू के खुला, सारे के सारे जोरू के खुला। अच्छा तो तुम भी अफान की तरह बगावत करोगे मुझसे? एनी को तो अपने पोते की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं और एमल को तुम्हारी वजह से, लेकिन अब नहीं। तुम दोनों भाइयों को आज ही फैसला करना होगा। मम्मी, आपने हम दोनों भाइयों का फैसला सुन लिया तो ये बात याद रखें कि इस घर में कोई किसी को तलाक नहीं देगा।